वेलकम बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 12 सोशल साइंस। हिस्ट्री है इसमें और क्लास 7 के लिए है बेटा। दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग जानेंगे आज कि दिल्ली में जो सल्तनत में कौन कौन से सुल्तान थे, राजा थे और उनमें मेनली अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बारे में हम लोग जानेंगे। तो द सल्तनत, ठीक है, दिल्ली के जो सुल्तान थे उनके बारे में जानेंगे। द सल्तनत इन 15th and 16th century में जो सल्तनत थी उसके बारे में। आफ्टर द तुगलक द सैयद एंड लोदी एंड सूरी डायनेस्टी, ये सब ने दिल्ली और आगरा के आसपास रूल किया। ठीक है, तुगलक आए, तुगलक डायनेस्टी आई, लोदी डायनेस्टी आई, सूरी डायनेस्टी आई, ये सारों ने दिल्ली पे वन बाय वन रूल किया है। द स्टेट डेवलप्ड अंडर द रूल ऑफ शेरशाह सूरी। लेकिन इन सब के इन सब ने रूल तो किया लेकिन स्टेट जो जो दिल्ली है वो डेवलप हुई किसके अंडर में, शेरशाह सूरी के अंडर में हुई, लेकिन थोड़े से टाइम के लिए। द स्टेट डेवलप अंडर द रूल ऑफ शेरशाह सूरी वॉज स्मॉल, हुई तो थी कुछ दिन तो थी बट पावरफुल, बहुत काफी पावरफुल थे शेरशाह सूरी, बहुत ज्यादा पावरफुल था। एंड ही एस्टेब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसी ने फ्यूचर रूलर के लिए एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम बनाया जो कि एक मॉडल बन गया कि भविष्य में जो भी रूल करने वाले आए थे उसके बाद किंग जितने आए थे सब ने इसी बेस पे रूल किया था। न्यू किंगडम सच एज जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड ऑल ऑफ साउथ इंडिया एंड न्यू रूलिंग ग्रुप सच एज अफगान राजपूत केम अप ड्यूरिंग द फाइनल ईयर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के फाइनल ईयर के टाइम पे ये चल रहा था। देखिए ये बता रहा है पूरे इसमें कि 15th-16th century में जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें किस तरह से पार्टीशन करते हुए किस टाइम पे क्या आया और फाइनल जो सल्तनत थी उसके बाद तो बाबर ये सब आ गए थे ना, मुगल युग वगैरह आ गए थे, मुगल टाइम आ गया था। तो उससे पहले का सारा ये है कि कैसे आखिरी टाइम क्या था और कौन कौन से रूलर ने जो जौनपुर बंगाल वगैरह में उभर के आए थे रूलिंग ग्रुप जो है अफगान और स्पेशल राजपूत। तो हम दो के बारे में आज कंपैरिजन जानेंगे, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। बहुत ज्यादा पावरफुल थे दोनों ही, दोनों के बारे में हम कंपैरिजन यहाँ करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पहले हम सारा पढ़ लेते हैं। ही इंक्रीज हिज लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, इसने अपनी आर्मी बहुत ज्यादा बढ़ाई। स्टैंडिंग आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी मतलब जो पैदल सेना है उसको बहुत ज्यादा इसने बढ़ाया और ताकि बाहर का जो इन्वेशन है, इन्वेशन मतलब होता है अटैक, बाहर के अटैक से बचाया जा सके अपने स्टेट, ठीक है, खुद को भी। ही कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरसन टाउन, गैरसन टाउन बनाया था, गैरसन बताया था ना मैंने, जो टाउन के चारों तरफ प्रोटेक्ट करते हैं सिपाही वगैरह होते हैं, सोल्जर होते हैं, तो ये बनाए इसने नए, ठीक है, जिनका नाम होता सीरी, सीरी फॉर हिज सोल्जर, अपने सोल्जर्स के लिए इसने गैरसन टाउन बनाया ताकि वो भी सुरक्षित रहे और वो उसको भी उसके किंगडम को भी सुरक्षा प्रदान करे। द सोल्जर्स हैड टू बी फेड, उनको खिलाया जाता था भैया। दिस वॉज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड, जो टैक्स इकट्ठा होता था लैंड से, गंगा और यमुना के पास जो भी जगह थी, फर्टाइल लैंड थी ना, वहां से टैक्स मिलता था और उस टैक्स से जो भी आता था अनाज वगैरह उससे इनको सोल्जर्स को खाने पीने का इंतजाम हो जाता था बड़े आराम से, ठीक है। He paid his soldiers salary, salary देता था कैश में कोई, then इक्ताज, इक्ताज के रूप में मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं, कैश में पैसे, पैसे में रूप में सैलरी देता था। He administered majorly like military reforms, मतलब इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करता था जैसे मिलिट्री रिफॉर्म होते हैं, रेवेन्यू रिफॉर्म होते हैं, तो जो ये एडमिनिस्ट्रेट मेजर्स, तो ये सारी चीजें थी मिलिट्री रिफॉर्म्स, रेवेन्यू रिफॉर्म्स, पर क्वाइट सक्सेसफुल, ये इसके बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे इसके अंडर में, क्योंकि भाई सेना इसने बहुत ज्यादा बढ़ा ली थी, यानी जो मिलिट्री थी वो तो बढ़ी गई और रेवेन्यू इसको आता था टैक्स के द्वारा, कैसे पैसा वसूल किया जाए, तो ये दो चीजें इसके इसके एडमिनिस्ट्रेशन में काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही थी। तो हमने क्या क्या जाना खिलजी के बारे में, एक तो लार्ज सेना, लार्ज आर्मी का कर लिया उन्होंने, गैरसन टैंक ज्यादा बढ़ाए और टैक्स ने ज्यादा वसूल किया, गंगा यमुना की जो लैंड थी बीच में बहुत फर्टाइल थी, अपने सोल्जर्स को सैलरी देता था और इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या ज्यादा उभर के आए, मिलिट्री रिफॉर्म्स एंड रेवेन्यू, ठीक है। मोहम्मद तुगलक के बारे में जानते हैं, ही रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी टू अटैक, ठीक है, ये अपने आप को बचाने के लिए इसने आर्मी को किया, इसने
आर्मी को अटैक करने के लिए, ताकि हम इतनी आर्मी कर ले कि दूसरों पे अटैक करें, ठीक है। फ्रांसोन जियाना था जगह, वहां पे अटैक करने के लिए तुगलक ने बहुत बड़ी सेना का निर्माण करवाया, मतलब सेना बहुत बड़ी, आर्मी में बहुत सारे लोग भर्ती कराए गए। He evacuated four oldest cities of Delhi and made soldiers garrison. तो जो चार पुरानी सिटी थी उसको हटाया, उसमें सोल्जर्स के लिए गैरिसन बनाया, गैरिसन टाउन जो थे अपने सिपाही के लिए बनाए इसने। The tax collected from area between Ganga and जो भी कलेक्ट आता था उससे आर्मी को तो भोजन मिलता था, बट टू मीट द नीड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर बहुत ज्यादा थे तो एडिशनल टैक्स भी ये लेता था, उस टैक्स के अलावा एडिशनल टैक्स भी अलग हो गया, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो इसने ओल्ड सिटीज थी वो सिपाहियों के लिए बना दिया, जबकि इसने नया सिटी का कंस्ट्रक्शन किया था, ये दोनों में डिफरेंस हो रहा है, ध्यान देना। तो और टैक्स के मामले में सिर्फ इसने टैक्स ही वसूल किया, इसने एक्स्ट्रा टैक्स भी लिया एडिशनल टैक्स के, क्योंकि सेना इसकी बहुत बड़ी थी, इसको लग रहा था कि हम पेड़ नहीं कर पा रहे, तो उसने वो किया। सैलरी तो कैश में देता था बट नेवर कंट्रोल द प्राइसेस, प्राइसेस पे कंट्रोल नहीं था, नहीं किया इसने कंट्रोल। और इसका एडमिनिस्ट्रेशन में जो जैसे मेजर्स वर अ फेलियर, इसके एडमिनिस्ट्रेशन मेजर जो फेलियर क्यों कहलाए, क्योंकि ही लेड द फेल्ड कैंपेन ऑफ कश्मीर, कश्मीर का इसने अभियान चलाया वो फेल हो गया। ही देन गेव अप हिज प्लान टू इन्वेड ट्रांसोजियाना, में इसको सोचा कि हमला कर दे, वो भी इसको मतलब प्लान तो बनाया बट दिस बैंडेड इज लार्ज आर्मी और डिसबैंडेड, और इसकी जितनी बड़ी सेना थी वो कहीं ना कहीं उसमें कमी आ गई थी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो खिलजी जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे हैं उभर के, और तुगलक थोड़ी से कम थे, है ना, अपनी प्रॉब्लम अपने जो पॉलिसी थी उसी की वजह से। नाउ इमेजिन यू आर पेजेट अप किसान अलाउद्दीन खिलजी के टाइम के या मोहम्मद तुगलक की, यू कैन नॉट पे टैक्स डिमांड, व्हाट विल यू डू, क्या करोगे आप लोग, सोचना है आपको और बताना है, बट टैक्स नहीं दे पा रहे हो तो नेचुरल है क्या करोगे आप। राजा के पास सुल्तान के पास जाना पड़ेगा रिक्वेस्ट करने के लिए कि वो जो है कंसेशन दे टैक्स में और माफ कर दे इस साल के लिए, यही तो करेंगे और तो कोई ऑप्शन नहीं रखता, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक, दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस था। तो आप क्वेश्चन नंबर वन बेटा यही पूरा डिफरेंस है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, और एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, चार पॉइंट, जितने पॉइंट आपको मन करे एक दो आप ले सकते हैं, ठीक है। राइट द नेम ऑफ, हमें सुल्तान लिखने इन डायनेस्टी के तुगलक एंड लोधी के, तो चलिए देखते हैं तुगलक टाइम में कौन कौन थे, ग्यासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, नाम जानने फिरोज तुगलक, लोधी के टाइम में बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, ये नाम बहुत है, ठीक है, आसान है। और हमने एक यहाँ पे पढ़ा है अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक। तो चलिए इसी के साथ ये वर्कशीट पूरी होती है, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, टेक केयर, बाय।